हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसके अंदर आप डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, तो यहाँ पे हमें स्कोर दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, जो कि 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स एज फॉलोज, माने 25 मार्क्स में से 15 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। हमें मोड मीडियन फाइंड आउट करना है डेटा का, और क्या वो सेम है क्या। देखिए, अगर हम अरेंज कर लें इसे असेंडिंग ऑर्डर में, तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, देन आफ्टर 23, 24, 25 एंड 25, राइट। अगर हम देखें तो मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आया होता है उसे हम मोड कहते हैं, यानी कि जो मोड होगा वो हमारा 20 होगा। अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन हमने देखा कि यहाँ पे 20 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसका मिडिल ऑब्जर्वेशन देखें तो वो मीडियन कहलाता है, और मिडिल में क्या है, बिल्कुल 20 ही है। देखो अगर आप ध्यान से कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 है, राइट। तो अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट, और ये बिल्कुल मिडिल का टर्म होगा। तो आप देखोगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर भी 7 है, यानी कि जो मीडियन जो टर्म है, जो मिडिल का टर्म है, वो क्या है, 20 है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 20 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि 11 प्लेयर्स हैं, जो कि जिनका डेटा दिया हुआ है इस तरीके से। सबसे पहले तो हमें मीन, मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है इस डेटा का। क्या ये तीनों ही सेम है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में रखने वाले हैं चीजों को। जैसे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। तो इन सबको अगर हम प्लस कर दें, 6 प्लस 10 प्लस व्हाटएवर जो भी दिया हुआ, इन सबको प्लस कर दें और 11 से डिवाइड कर दें, तो 39 आंसर आएगा। ये आ गया आपका मीन। और मोड जो होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम मोड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, आप देख पाओगे 15 आया है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो तो 15 होगा, राइट। तो ये मोड हो गया 15। लेकिन अगर हम बात करें कि मीडियन क्या होगा, मीडियन मतलब जो मिडिल टर्म है, मिडिल भी 15 होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो मीन है, मोड है और मीडियन है, ये तीनों सेम नहीं है। क्योंकि अगर मोड और मीडियन की बात करें तो ये तो 15 आ रहा है, लेकिन मीन जो आ रहा है वो 39 आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि चीजें अलग हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। ये वेट दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर, तो हमें मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है इस डेटा का। सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा करके लिख लेते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे इस कंप्लीट डेटा को जब हम असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो 32, 35, 36, 37, 38 इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम मोड की बात करें तो सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, 38 एंड 43। 38 भी 3 टाइम्स आया हुआ है और 48 भी 3 टाइम्स आया हुआ है, तो दोनों ही क्या होंगे, मोड होंगे। लेकिन अगर हम मीडियन की बात करें तो मिडिल ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन कहलाता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट एंड 7, ये 40 जो होगा वो हमारा मिडिल ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये 40 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि क्या एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं क्या। यस, क्योंकि यहाँ पे दो मोड्स हैं और दोनों ही 3-3 टाइम्स बार आए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मोड और मीडियन हमें फाइंड आउट करना है जो डेटा दिया हुआ उसके बेसिस पे। तो आप देख पा रहे हो इजिली कि यहाँ पे हम अरेंज करते हैं डेटा को। अब कैसे अरेंजिंग होगी, यहाँ पे देखिए डेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया हुआ है। यहाँ पे अरेंज करने के बाद अगर हम मोड की बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ है वो 14 आया हुआ है, तो मोड तो आपका 14 हो गया। अब मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, और 10 में से अगर आप देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5th टर्म ये 14, 1, 2, 3, 4 टर्म अगर आप देखोगे तो जो मीडियन ऑब्जर्वेशन है वो 14 ही है, राइट। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम बात करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ट्रू है, और कौन सा स्टेटमेंट गलत, यानी कि फॉल्स है। सो द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा,
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो कहीं ना कहीं ये ट्रू है, क्योंकि मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। डेटा में से ही एक ऐसा नंबर होता है जो मोड कहलाता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता, ये ट्रू है। अगर हम बात करें कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा, नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मीन अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। यस, ये ट्रू है, मीडियन उसी नंबर्स के डेटा में से होता है जो कि उसके मिडिल वैल्यू कहलाती है। इसका मीन 9 है क्या, हमसे पूछा जा रहा है। मीन में क्या होता है, इन सबको प्लस करके हम डिवाइड करके चेक करते हैं, तो ये फॉल्स है, क्योंकि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 8। सो जो इसका मीन है वो 8 होना चाहिए, बल्कि आंसर में दिया हुआ था 9। सो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर था एक्सरसाइज 3.2, वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।